नमस्कार दोस्तों, नर्स लाइफ एकेडमी में मैं सुरेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज का ये मेरा वीडियो मेरे उन सभी भाइयों के लिए है जो एक महीने के अंदर अंदर नॉर्सेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपने पढ़ाई बहुत कर ली, आपने पूरे एक साल से जब पिछला नॉर्सेट बीता है तब से लेकर आप अब तक लगातार मतलब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग जो एक कुछ चीज़ें हैं जो है मिस कर देते हैं। वो क्या होता है कि एग्जाम के एंड टाइम के अंदर ना अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसे मेंटेन नहीं कर पाते, अपनी साइकोलॉजिकल कंडीशन है उसे अच्छे से नहीं रख पाते, अपना मेंटल स्टेटस है उसे नहीं रख पाते। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ वो होती है कि आपको एंड टाइम के अंदर बिहेव क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और उस टाइम पे जब आपका आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे, आप एग्जाम की अपनी टेबल पे बैठेंगे, आपके सामने कंप्यूटर होगा, उस टाइम पे आपका बिहेवियर क्या होगा, किस तरह से आप उसको अटेंड करेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एग्जाम दिए हैं, मैंने 5-7 एग्जाम टोटल दिए हैं, उसमें से 5 एग्जाम मैंने एम्स के क्लियर किए हैं। मैंने सबसे पहले एम्स दिल्ली का एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद एम्स बठिंडा का एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद आपके हैदराबाद में एक एम्स है, जो भी यार नाम याद नहीं आ रहा मुझे एट द मोमेंट, उस एग्जाम को क्लियर किया, बीएचयू को क्लियर किया, और फाइनली मैंने जोधपुर एम्स को क्लियर किया। और अभी जोधपुर एम्स के अंदर मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ, दिल्ली के अंदर भी मैंने नर्सिंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम किया है, और उसके बाद मेरा जोधपुर सिलेक्शन हो गया था तो मैं जोधपुर आ गया हूँ। ठीक है, तो इस बिहाव पे मैंने जो मतलब जो सक्सेस हासिल की है, लगातार 5 एग्जाम क्लियर करना, मुझे नहीं पता दूसरों के लिए बड़ी बात होगी या नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक नौकरी के लिए मैं तरसता था और फिर अचानक मतलब 1, 2, 3, 4, 5 लगातार एग्जाम क्लियर किए, तो फिर मुझे लगा कि मैंने जो किया है मुझे मेरे भाइयों को बांटना चाहिए। मेरे जो छोटे भाई हैं जो अब आने वाले नॉर्सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी इस महीने सितंबर में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका एग्जाम देने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा जो अनुभव है आपके शायद काम आ सकता है, इसलिए मैं ये जो अपना अनुभव है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी देखिए, एक साल के अंदर जो आप पिछले एक साल से हैं तैयारी कर रहे हैं उसमें आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, सारे सिस्टम रट लिए, फंडा, MSN, whatever, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सारे आपने देख लिए, आपने जो डायग्राम बेस वाले क्वेश्चन होंगे वो भी देखे होंगे, आपने वीडियो बेस वाले क्वेश्चन होंगे वो भी देखे होंगे। मतलब कहने का मतलब ये कि आपने सारा देख लिया है। ठीक है, जो जो आपकी पॉसिबिलिटीज लगती थी, जो जो भी आपको लगता था कि हाँ यार क्या क्या हो सकता है, वो सब आप देख चुके हैं। अब आपका आखिरी टाइम है, आपके पास सिर्फ एक महीना बचा है। आपने पूरे साल कितनी तैयारी की मैटर करता है, ठीक है, लेकिन एट द मोमेंट आप मतलब बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मतलब जो रिंग के बाहर आपने बहुत कसरत की है, बहुत मेहनत की है, लेकिन रिंग के अंदर जब आप रिंग के अंदर होंगे वो उस टाइम आप क्या करोगे, आपकी परफॉर्मेंस क्या क्या रहेगी, वही ही आपका रिजल्ट तय करेगी। आप पास होंगे, फेल होंगे, अच्छी रैंक आएगी, बुरी रैंक आएगी, सिलेक्शन होगा या ना होगा, ये वही तय करेगा कि आपने रिंग के अंदर कैसा परफॉर्म किया है। आप पूरे साल कैसी तैयारी कर रहे थे, आपने क्लास टेस्ट में ज्यादा नंबर लाए, कम नंबर लाए, मैटर नहीं करता। आप 10 घंटे पढ़े, 14 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, या सिर्फ दिन में 4 घंटे पढ़े, वो भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि एट द टाइम जब आपका एग्जाम लिया जा रहा है, जब आप रिंग के अंदर हो, उस टाइम आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, आपका जो क्वेश्चंस पेपर है उसे कैसे अटेंड कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। ये क्रूशियल चीज है इस मामले के अंदर, क्योंकि ये मेरे खुद के अनुभव है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से पढ़ के या फिर किसी और के अनुभव से बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मेरा अपना अनुभव है। मैंने जब मैं एग्जाम देने गया हूँ, मैंने लगभग 7 एग्जाम दिए हैं, तो मैं जितने भी एग्जाम दिया उसके अंदर मेरा मेंटल स्टेटस क्या रहा, मैंने क्या किया कि जो पिछले जो एग्जाम थे उसके अंदर मेरा फेलियर क्या रहा, वो भी बहुत मैंने नोट किया कि आखिर मतलब किस वजह से मैं जो बाकी के एग्जाम थे वो क्लियर नहीं कर पाया और उसके बाद के जो एग्जाम थे मैंने अच्छे से क्लियर किया। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर ये हम सारी चीज़ें जो है डिटेल से बात करेंगे। ये वीडियो शायद 10 से 15 या 20 मिनट का आपका हो सकता है, तो अगर आपको लगता है कि इस आपको इस वीडियो में टिके रहना चाहिए या फिर आपको शायद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ मिल सकती है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, वरना आप स्किप करके आप अपनी पढ़ाई पे लग सकते हैं। ठीक है, पहली बात मुझे जो लगता है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो चीज़ लगती है वो है आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बहुत ज़रूरी है। मैं जब कोचिंग कर रहा था तो वहाँ पर हमारे एक टीचर थे जिनका नाम था जितेंद्र जी, ठीक है, वो आज नर्सिंग आज असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं। उनका कहना था कि जब आप कोचिंग में जाते हो या फिर जब आप पढ़ने बैठते हो
तो इस तरह से मत बैठो कि आप तैयारी कर रहे हो। उनका कहना था कि आप इस तरह से पढ़ो, इस तरह से बैठो, इस तरह से बिहेव करो, इस तरह से कपड़े पहनो, इस तरह से घूमो, जैसे कि आप जो पाना चाहते हैं वो आपको पहले ही हासिल हो चुका है। मतलब आप पहले ही नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं किसी एम्स के अंदर, जो भी आपका पसंदीदा एम्स है, दिल्ली, भोपाल, जोधपुर, जो भी है, मतलब आज तो बहुत सारे एम्स हो गए, नाम नहीं ले सकता मैं, तो जितने किसी भी जहां भी जगह आप जाना चाहते हो, आप उस चीज को, उस जगह को अपने दिमाग के अंदर उसको विजुलाइज करना है, अपनी सक्सेस को विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए वो चीज़ को पाना, क्योंकि आपका जब अंदर का सिस्टम ही, आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसी को जब तक विश्वास नहीं होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, मुझे किस चीज़ को पाना है, तो ये बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ के लिए। तो मेरा मानना यह है कि आपको सबसे पहले अपने आप को एज एक गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर, जो मतलब एक एम्स का नर्सिंग ऑफिसर होता है, वो मानना शुरू कर देना चाहिए कि हाँ मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ, और जो मेरी जो पढ़ाई है, मेरा जो ये एग्ज़ाम है, उसके बाद का जो आपका कट ऑफ जो होगी, और उसके बाद का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो भी होगा, वो सिर्फ एक प्रोसेस है, मैं नर्सिंग ऑफिसर बन चुका हूँ। तो मेरा जो बिलीफ सिस्टम था, मैंने इस बिलीफ सिस्टम को ये रखा कि यस मैं नर्सिंग ऑफिसर बन चुका हूँ, ठीक है। दूसरी बात जो मैंने आपको बोली, पहली बात ही थी वो बिलीफ सिस्टम, उससे आप आत्मविश्वास को छोड़ के बिलीफ सिस्टम को पहली बात बोलिए। दूसरी बात, आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये आपको अंदर से संबल देता है कि जो आप कर रहे हो वो कर सकते हो, ठीक है। एक हेनरी फोर्ड का एक है कि अगर आप सोचते हो कि आप ये कर सकते हो तो आप कर सकते हो, और अगर आप सोचते हो कि आप ये नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। आप दोनों ही मामलों में सही हो, क्योंकि जैसा आपका आत्मविश्वास होगा, चीज़ें आपके आसपास की जो चीज़ें हैं वैसे ही रिएक्ट करेंगी। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, दिल्ली एम्स का एग्ज़ाम होने वाला था, और मेरा सेंटर जो आया था वो आया था अपना गुजरात अहमदाबाद के आसपास, ठीक है। तो जब मैं बस में जा रहा था ना, तो मैं ये नहीं सोच रहा था कि मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा, मैं कैसे अटेंड करूंगा, वो नहीं सोच रहा था। वो मैंने बहुत वो पहले सोच लिया था, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो मैं सोच लिया था उस टाइम। मेरे दिमाग में बस में बैठे बैठे मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जब मेरे कोचिंग संस्थान वाले मेरे को आगे बुलाएंगे, और एक्चुअली वो होता है ना, जब आप मतलब पास हो जाते हो तो वो आपका सबके सामने आपका माला वगैरह लगा के, टीका वगैरह लगा के आपका सम्मान करते हैं। तो मेरा ये था कि मैं यार जब आगे जाऊँगा तो जब वो मेरे को माइक हाथ में देंगे सर, तो मैं बोलूँगा क्या उस पर। आप इमेजिन कर सकते हो, आप मतलब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ बिलीफ सिस्टम, आप मतलब अटेंड मतलब क्या बोलते हैं, इमेजिन कर सकते हो कि आपका भी एग्जाम ही नहीं हुआ है, आप बस में एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो, भी उससे पहले आप ये सोच रहे हो कि आपने एग्जाम क्रैक कर लिया है, और आप ये मतलब इमेजिन कर रहे हो कि आप उस टाइम पे बोलोगे क्या। तो मेरा बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत तगड़ा था, और आपको भी अपना बिलीफ सिस्टम, अपना कॉन्फिडेंस है वो बहुत तगड़ा रखना है। ये चीज़ें होगी बिलीफ सिस्टम की, और दूसरी आपको अपनी सक्सेस को विजुलाइज करना है। ये उन्हीं के अंदर ये मतलब क्या सारे पॉइंट जो है, आत्मविश्वास हो गया, बिलीफ सिस्टम हो गया, सक्सेस को विजुलाइज करना, ये सारे के सारे इंटरलिंक्ड है, ठीक है। उसके बाद आता है मेन चीज़ कि आपको अब एक महीना रहा है, ठीक है, आपके पास। अब इस एक महीने के अंदर जो आपकी तैयारी जो है वो आपको कैसे करनी है। आपने साल भर पढ़ाई की है, लगभग सारे सिस्टम से आप गुजर चुके हैं, जितने भी सारे सिस्टम थे, जितना भी आपका स्टडी मटेरियल था, क्वेश्चनेयर्स थे, थ्योरी थी, उन सब से आप गुजर चुके हैं। आपने बहुत सारे डायग्राम्स भी देखे होंगे, वीडियोस भी देखे होंगे, क्योंकि अभी पिछले बार से जैसे एम्स जो आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो सिलेक्ट करता है, वो मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कौन कौन से एग्जाम, एम्स जोधपुर और एम्स दिल्ली का जो एग्जाम दिया कंबाइंड, चार गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो साथ में था, उस पेपर से मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा पेपर लगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चीज़ें इस तरह से बताई गई, तो एक तो जो आपके क्लिनिकल लेवल पे होगा ना, वो क्या हो रहा है, आपको बता रहा है कि भाई क्या ये जो ग्लव्स है वो सही पहना है कि नहीं पहना, मास्क सही लगाया है कि नहीं लगाया, कोई प्रोसीजर कर रहे हैं अच्छा वो सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपका जो मॉनिटर लगा हुआ है आईसीयू का, उस मॉनिटर में कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, ये ऊपर वाला जो बता रहा है वो क्या है, नीचे वाला जो बता रहा है वो क्या है, बीच में जो है वो सब, ये जितने भी मतलब जो आपका मॉनिटर में चल रहा है वो क्या चीज़ है, वेंटी पे जो चीज़ें लगी हुई है आपको मतलब पता होना चाहिए कि भाई ये बॉक्स किस चीज़ के लिए है, ये बॉक्स किस चीज़ के लिए। तो ये मुझे बहुत मतलब बहुत शानदार लगा, क्योंकि ये जो था ये मुझे पर्सनली मैटर करता था। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद मुझे यही तो करना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं।
बाकी और तरह के एग्जाम थे, आप मतलब पेशेंट को किस तरह से अटेंड करेंगे, कौन सी मेडिसिन का कैसा असर हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब वो मेडिसिन का जो मतलब असर है वो ठीक है, वो एक्सपेक्टेड है कि वो असर होगा ही होगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मतलब एकदम पैनिक हो जाओगे, अरे यार ये अचानक मेरे पेशेंट को क्या हो गया क्या नहीं हो गया। इमरजेंसी में लाते सबसे पहली चीजें क्या करनी है, किस तरह से पेशेंट को मैनेज करना है, ये मतलब मोटा मोटा ये है कि मतलब आपको बता रहा हूँ कि सारी चीजों से आप गुजर चुके हो, आपने साल भर के अंदर ये सारी चीजें पढ़ी है। अब आपका आता है लास्ट महीना, ये आपका एक महीना है, तो मेरे हिसाब से जो आपका ये लास्ट महीना है ये आपका ओनली फोकस होना चाहिए आपके रिवीजन पे, ठीक है। आपने साल भर पढ़ लिया, बहुत सारी चीज़ें छूटी भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपने कैचअप भी की होंगी, लेकिन ये जो लास्ट महीना है मेरे हिसाब से जहाँ मेरा अनुभव जो कहता है वो आप इस पर दीजिए कि आप अपने सारे जो आपने जो पढ़ा है अभी तक उस सबको रिवाइज करिए, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करिए, और जो रिवाइज करते हैं आप उसको हर हफ्ते मतलब दोबारा उस पर सरसरी निगाह से देखिए भी क्यों आप, क्योंकि आपने जो पढ़ा है ना उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है मालिक। देखो आपने क्या पढ़ा, कितनी चीज़ें पढ़ी उससे मैटर नहीं करता, आपने रिवीजन किया कि नहीं किया ये बहुत मैटर करता है। मान लो आप एग्जाम सेंटर पर गए, आपने क्वेश्चन अटेंड किया, आपने पहला क्वेश्चन देखा वो आपको नहीं आता, ठीक है, तो अगर नहीं आता है तो समस्या नहीं है कि भाई ठीक है मैंने नहीं पढ़ा मेरे को नहीं आ रहा है, लेकिन समस्या तब आती है जब आपने एग्जाम मतलब पढ़ा है सारा, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चंस देखा और आपको तीन चार ऑप्शन में से आपको लग रहा है कि हाँ यार एक दो ऑप्शन सही है, तीन ऑप्शन सही है, उसमें क्या है पता, उसमें आप कहाँ लेक कर गए, आपकी कमी कहाँ रही, आपकी कमी रही रिविजन पे। अगर आपका रिविजन अच्छे से होता तो आप उसमें हड़बड़ाते नहीं, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आपके, आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, आपने पढ़ा ही नहीं तो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपने पढ़ा था और अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार ए सही है या बी सही है या सी सही है डी सही है क्या सही है इनमें से, तो वहां पर आप मतलब आपकी बहुत बड़ी भूल होती है, और ये जो होता है वो सब इसलिए होता है क्योंकि हम रिविजन करने में चूक जाते हैं। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि आपने लास्ट महीने को आप रिविजन को डेडिकेट करिए, आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज करिए, थोड़ा थोड़ा मतलब दिन में ही पढ़िए, दिन में भी कम से कम एक चीज़ को, ऐसा नहीं है कि आपने रिवाइज में भी बताया ऐसा क्या है कि आपने अभी जो पढ़ा ना उसे थोड़ी देर बाद और मतलब 5 मिनट और एक बार देख लीजिए, 24 घंटे के भीतर भीतर एक बार और उसको सरसरी निगाह से देख लीजिए कि आपने क्या क्या टॉपिक पढ़ा था, क्या क्या मेन मुख्य मुख्य चीज़ें क्या थी, क्योंकि सारे टॉपिक के अंदर सारी चीज़ें मुख्य नहीं होती है, बहुत कम चीज़ें होती है जो आपके मतलब आपको दिमाग में रखने लायक है और जो एग्जाम में आने लायक है, ठीक है। तो जब आप उसे रिवाइज करेंगे ना एक बार, और एक बार एज ए नर्सिंग ऑफिसर उस चीज़ को आप मतलब जैसा कि मैंने आपको बोला था आपका बिलीव सिस्टम होना चाहिए, आपको पहले मान के चलना है कि आप नर्सिंग ऑफिसर हो, तो जब आप एग्जाम पेपर को देखोगे तो आप मतलब वो सॉरी जब आप अपने रिवीजन को कर रहे होंगे तब तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण है, ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि नहीं, ये चीज़ मतलब कॉन्टेक्स्ट के बाहर है कि ये कैसा करना है कैसे नहीं करना, वो आपको मतलब सारा चीज़ें समझ में आएगा। फिर उसको दिन में 2-3 बार आपने देख लिया उसी चीज़ को, उस चीज़ को हफ्ते के उसे एक वीक खत्म होने के अंदर उसको एक बार और देख लीजिए, और फिर देख लीजिए जब उसका महीना खत्म हो जाए 30 दिन के भीतर भीतर आप हर एक टॉपिक का कम से कम 3 से 4 बार पहले तो आपको मतलब रिवाइज करना है अच्छे से, फिर उसके बाद एक सरसरी निगाह से आपको जो 3-4 बार जो होता है पूरे महीने के भीतर 3-4 बार आपको उसे अच्छे से देखना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका रिविजन बहुत बढ़िया है ना आपका, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि भाई आपने कौन सा मतलब क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा, ये ऑप्शन ए सही है या बी सही है या सी सही है कैसा है, ठीक है। तो ये रिवीजन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और इस रिवीजन के साथ साथ आपको एक ध्यान रखना है कि आपको मेंटली स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी, देखो स्ट्रेस ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा ये कि आप एग्जाम में फेल हो जाओ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। एग्जाम जो होगा वो दो ही चीज़ें होगी, या तो आप पास होंगे या फेल होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा फेल होंगे तो उससे कोई चीज़ मैटर नहीं करता, आप दोबारा उसमें आ सकते हो, ठीक है। तो लेकिन स्ट्रेस बिल्कुल नहीं, अपने आप को तनाव के अंदर नहीं लाना, ऐसा नहीं सोचना है कि यार एक ही महीना रहा है क्या क्या। मैंने जो मेरी पूरी जो तैयारी की थी वो सिर्फ 6 महीने की थी, मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो मतलब साल 2 साल 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ 6 महीने से ही तैयारी कर रहा था। जब मैं कोचिंग कर रहा था तो वहाँ पर कुछ दोस्त जो मतलब सिलेक्ट हो गए थे वो मतलब वहाँ पे आते थे और वो कहते थे कि भाई मतलब हमने ना ऐसे मतलब पढ़ा है जो पीआर यादव वगैरह ऐसी बुक्स हैं, एक क्या है हाई करके है यार, जो मुझे नहीं पता, आप नाम भूल गया, ठीक है। तो उसको मतलब कि आपके किसी भी पेज से कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, हम आपको बता देंगे कि वो कौन से पेज नंबर पर है। तो जब मैंने ये सुना तो मैं तो सदमे में आ गया, मैं मेरा स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो गया कि यार इनको इतना सारा याद है, मेरे को तो मतलब ये भी नहीं पता कि यार मतलब अभी तक क्वेश्चन भी नहीं पता, सारी चीज़ें भी नहीं पता, कौन कौन से पोर्शन से कितना कितना परसेंट आता है वो भी नहीं पता था।
तो देखो है ना, लेकिन फिर भी जो जो लोगों को तीन तीन चार चार साल लगे इस एग्जाम को क्रैक करने में, मैंने 6 महीने की तैयारी के अंदर इसको मतलब क्रैक कर लिया। ठीक है, मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अपने बिलीफ सिस्टम को तैयार किया, अपना कॉन्फिडेंस सही रखा, मेंटली स्ट्रेस नहीं लिया, तो ये सारी चीज़ें जो हो पाई हैं, आपसे भी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, वो है कि आप एग्जाम जब एग्जाम सेंटर पर होंगे तो उस एग्जाम को अटेंड कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब आप एग्जाम में पहुंचे तो जैसे आपका एग्जाम पेपर खुलता है ना, तो आपको पहली बात तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, वो मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, ये बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे कई सारे दोस्त थे जिनको मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज था, ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ कि जब एग्जाम देने जाते थे, जब एग्जाम देते थे, उनके मार्क्स तो इतने मार्क्स आते थे कि वो सिलेक्शन नहीं ले पाते थे। नॉलेज मेरे से ज़्यादा था लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाते थे। क्यों, वजह क्या थी कि वो एग्जाम सेंटर पे जो उनका बिहेवियर था, उनका मेंटल स्ट्रेस था, उनका जो बिलीफ सिस्टम था, वो ढंग से काम ही नहीं करता था एग्जाम। क्योंकि देखो, वहां पे मैंने जो आपको बोला रिंग के अंदर आपका परफॉर्मेंस है, वही आपको तय करेगा कि आपका रिजल्ट क्या होगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ, मतलब मैंने जो किया है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं एग्जाम देने गया तो मैंने क्या किया, जैसे एग्जाम पेपर मेरे हाथ में आया, जैसे मतलब मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आया, मैंने देखा नहीं, मैंने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने आप से ये बोला कि मैं जो एग्जाम देने जा मैंने एग्जाम में अटेंड करने जा रहा हूँ, ये मैं अपनी फुल कॉन्फिडेंस से करूँगा, पूरे आत्मविश्वास से करूँगा, और जितना भी मुझे आता है मैं अपने पूरे ज्ञान को इसके अंदर उड़ेलने की कोशिश करूँगा, और जो एग्जाम पेपर एट द एंड जो भी होगा मेरे साथ अच्छा होगा। ठीक है, आपने अपने आप को ये बिलीव दे दिया। ठीक है, इससे आपका क्या है, आपका जो मतलब ब्लड प्रेशर या फिर जो पल्स थी वो जो इतनी हाई हो रखी थी स्ट्रेस के, वो मतलब बिल्कुल कम हो जाएगी। 2 मिनट आंख बंद करके बैठ जाइए, कुछ भी नहीं करना, 2 मिनट में कुछ भी नहीं छूटने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि 2 मिनट की ये कोई मतलब मेट्रो ट्रेन नहीं है कि अगर आपने 50 सेकंड के अंदर छूट जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम आपका जो भी जितना टाइम है ना उसी टाइम के अंदर होगा, तो 2 मिनट से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। उससे क्या है, आप 2 मिनट के अंदर आप अपने आप को लंबी गहरी सांस लेके आप अपने आप को काम कर लीजिए, आई मीन शांत कर लीजिए काम। ठीक है, शांत कर लीजिए और सोचिए कि बस मैं जो देने जा रहा हूँ मैं अपना बेस्ट दूंगा और मैं अपना अच्छे से ये पेपर करूँगा। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना आपको, बस बाकी जो अगर आप जिस किसी भगवान में विश्वास करते हो उनका ध्यान कर लो 2 मिनट के लिए, उनको याद कर लो, इतना काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद आप पेपर अटेंड करना शुरू करो। आपने पहला सवाल किया, दूसरा सवाल किया, तीसरा सवाल किया, अब उसमें क्या करना है कि जब आप पहला सवाल पढ़ते हो आपको नहीं आ रहा है ना, तो उसको छोड़ दो, उसको दोबारा नहीं पढ़ना। आपने एक बार पढ़ा, आपको लग रहा है आपको नहीं आ रहा है, दूसरा दोबारा नहीं पढ़ना, दूसरा पढ़ो, दूसरा भी नहीं आ रहा है तीसरा करो, इस तरह से आप आगे चलते जाओ। तो मैं जो लेता था उसमें मैं स्टेप्स बताता हूँ। पहला मेरा स्टेप्स ये था कि मैं जब भी मतलब एग्जाम पेपर मेरे साथ सामने आया तो मैंने उन क्वेश्चंस को पहले किया जो मुझे 100% में श्योर था। मान लो अगर बीपी आ गई, नॉर्मल बीपी क्या है, तो 120/80 है, ये नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं हल्का सा क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे मेरे को जो भारी क्वेश्चन है वो याद नहीं आ रहे। ठीक है, तो मतलब जो सबसे पहले वैसे क्वेश्चन जो लोग डेफिनेटली आपको आते ही आते हैं। ठीक है, डेफिनेटली जो क्वेश्चन जिसमें आप डेफिनेट हो, मतलब कि आप मतलब पक्का कि यही सही है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, उन क्वेश्चन को आप सबसे पहले करिए, आप पढ़ते जाइए। पहला आपसे नहीं आ रहा है या फिर आपको कन्फ्यूजन, छोड़ दीजिए, जैसे हल्का सा भी कन्फ्यूजन है आपको छोड़ दीजिए, नहीं करना, दूसरा क्वेश्चन करिए, उसको बढ़िया उसको करिए, उसको आप मार्क और रिव्यू मार्क में रख लीजिए, बाद में उसको देख लेना आराम से। तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस करिए जो आपको 100% आते हैं, जिसमें आप डेफिनेट हो। आपने कर लिया, आपने पूरा जो 100-150 सवाल का जितना ही पेपर था वो आपने पूरा कर लिया, उसके अंदर आपसे जितने भी आपसे मार्क्स जितने भी आपने क्लियर किए क्वेश्चन वो सारे क्लियर किए, अब आप वापस 1 नंबर से शुरू कीजिए। जो आपने रिव्यू के लिए कर रखे थे, जो नहीं आता ना उसको हटा ही दीजिए, उसको रिव्यू ही नहीं करना है। आपने पढ़ा आपको नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, क्या कर सकते हो आप उसमें। ऐसा नहीं कि अब कोई नई बुद्धि आपके अंदर आ जाएगा या फिर कोई अचानक से आपको मतलब वो आशीर्वाद दे देगा, प्रकाश पड़ जाएगा आपके बुद्धि पे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ दीजिए, अब आप उन क्वेश्चन को अटेंड करिए जिसके अंदर आपको हल्का सा था कन्फ्यूजन था कि यार ये है कि ये है, मतलब लग तो यही रहा है लेकिन ये भी हो सकता है। तो जब ऐसे आपने मतलब इतने सारे सवाल जो राइट कर दिए, तो अब आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ गया है। आपने मतलब कम से कम 40% के आसपास तो आप मतलब डेफिनेटली, अगर आपने पढ़ाई की है, अगर आपने साल भर अच्छे से पढ़ाई की है और एग्जाम के 1 महीने पहले उसको अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है, तो आप 40% मार्क्स तो है वो 40-45% मार्क्स डेफिनेटली आप क्वेश्चंस राइट करोगे ही करोगे, क्योंकि पेपर ऐसा आता ही है कि आप मतलब उतने राइट कर ही लोगे। ठीक है, अब आप उनको देखिए जिसके अंदर आपको स्लाइटली कन्फ्यूजन था। ठीक है, कि मुझे पता है कि आंसर राइट आंसर तो बी है,
लेकिन सी भी हो सकता है, ठीक है, राइट भी है लेकिन सी भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे करते जाइए आप। ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप अब आप वो है जिसमें आपको मतलब कंफ्यूजन लग रहा है, यार ए है या बी है मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए, थोड़ा ध्यान लगाइए, उस कंडीशन पे जाइए जब आप उस क्वेश्चंस को आपकी कोचिंग में या फिर आपकी रीडिंग टेबल पे आप पढ़ रहे थे वहां पे ध्यान लगाइए, तब आपको वो भी आ जाएगा। ये आपके तीन स्टेप्स हो गए। अब मेरे को लगता है तीन स्टेप्स बहुत है, मैंने हमेशा तीन स्टेप्स ही लिए हैं और उसके बाद मैं जितने भी एग्जाम दिए ना, मैं आपको कसम से मैं कह सकता हूँ कि मैंने कम से कम 15 से 30 मिनट का मैंने ब्रेक लिया मतलब क्या एग्जाम खत्म होने के बाद 15 से 30 मिनट मैं आराम से शांति से सोया हूँ, मतलब अपनी आंखें बंद कर। मुझे पता था क्योंकि अगर मैं आंखें खुली रखूंगा और फिर से वो देखता रहूंगा तो मैं फिर कुछ ना कुछ गुड़का करूंगा, जो राइट है उससे भी गलत कर दूंगा, अरे मेरे को फिर अचानक याद आएगा अच्छा वो तो नहीं था यार, वो था, चलो उस पर क्लिक कर देते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है, तीन स्टेप्स लिए, तीन स्टेप्स लेने के बाद आराम से मैं बैठ गया। अगर आप उसके तीन स्टेप्स के बाद अगर आपका मन कर रहा है और भी अगर आप मन कर रहा है कि यार एक दो क्वेश्चंस और कर लो, किए हुए को नहीं छेड़ना, जो आपने कर लिया वो सही है, लॉक कर दिया उसको भेज दो, उसको अब दोबारा आपको रिव्यू करना ही नहीं है। जो नहीं किए ना उसमें से कुछ क्वेश्चंस देख लो जिसमें आप रिस्क ले सकते हो, आपको क्योंकि आपको पता है आपने फर्स्ट स्टेप्स के अंदर 42-45% मार्क्स आपने डेफिनेटली कर दिए, फिर दूसरे में कम से कम आप 5-10% कर लिए होंगे तो ये लगभग 55-60% हो गए, तीसरे स्टेप्स के अंदर आपने जो मतलब जिसमें ए और बी में कन्फ्यूजन लग रहा था उसमें कर लिया तो 5-1% उसमें भी कर लिया तो 65-70% के आसपास लगभग हो जाता है। अब आप उन क्वेश्चंस को करिए, मतलब अगर आपका दिल कर रहा है तो, जो जिसमें आपको खतरा ले सकते हो, जिसमें आपको लगता है कि यार मतलब चलो ठीक है चांस वांस लग जाए तो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करिए जो मुश्किल से 5-10 क्वेश्चन हो, उससे ज़्यादा नहीं करना क्योंकि उससे ज़्यादा आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, 1-2-3 नंबर से ज़्यादा आप कटवा नहीं सकते, उतना करिए और उसके बाद आप शांति से बैठ जाइए। ये आपका सारा सारा जो जो भी आपका एग्जाम सेंटर है वो उस पे वहाँ पे कंप्लीट हो गया, आपका जो एग्जाम पेपर है वो आपने सबमिट कर दिया और अब शांति से बैठ जाइए। आपको कुछ भी नहीं करना, आपके पास 15 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, जो भी बचे हैं आप कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ भी घुड़के ना करें, कुछ भी उधर उधर वो मतलब अंगुली ना करें और आराम से शांति से बैठ जाएं। तो ये वो चीज़ें बताइए जो मैंने मेरे साथ हुई हैं, मैंने अपने साथ किया है। मैं एग्जाम सेंटर देते टाइम एकदम एग्जाम देते समय एकदम काम रहा, स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं रहा, एग्जाम देने से पहले 2 मिनट का मैंने ध्यान किया, ये सारी चीज़ें मैंने की है, ठीक है। अब मतलब रिवाइज कर लेते हैं कि आपने क्या क्या बताया, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मैंने आपको बताया था बिलीव सिस्टम के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में और अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करने के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना वो बस में जाते टाइम मैं ये नहीं सोच रहा था कि एग्जाम कैसा होगा, मैं ये सोच रहा था कि वहां पे खड़े रहकर मैं बोलूंगा क्या, ठीक है। तो ये चीजें आपकी सक्सेस जो है, आपने आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़िया होना चाहिए, आपकी सक्सेस को विजुअलाइज करना है और आपका बिलीव सिस्टम जो है वो तगड़ा होना चाहिए, यस मैं कर ही लूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये था कि आपने पूरे साल पर अच्छे से तैयारी की है और अब आपका जो एंड महीना जो है वो आपका ये है कि आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कितनी बार करना है, मिनिमम कम से कम 4 बार रिवीजन करना है। एक बार तो आपने बढ़िया से पढ़ लिया और उसके बाद जो पूरा जो महीना है उसके अंदर आपको सरसरी निगाह से सारी चीज़ों को देखते रहना है, ठीक है, ताकि आपके दिमाग से बाहर न जाए। फिर उसके बाद हम जो पांचवी चीज जो बात कर रहे थे वो बात थी कि भाई एग्जाम सेंटर पर क्या करना है, बस ये है 2 मिनट का आपको ध्यान करना है, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है, पानी वानी है तो पानी वानी पी लेना है और एकदम मतलब शांत, बिल्कुल शांत, जैसा भी होगा सब देखा जाएगा, आप बस मतलब अपने आप को शांत कर दीजिए और दैट्स इट। उसके बाद सिर्फ आप अपने रिजल्ट का इंतजार कीजिए और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप वीडियो के एंड तक आए हैं, वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू। और मैं नर्स लाइफ एकेडमी पे आपके साथ ही रहूँगा, आपके मोटिवेशन के लिए कुछ चीज़ें जो आपको मतलब एग्जाम की तैयारी के लिए वो सब चीज़ें हम अपन साथ में रहकर करेंगे, ठीक है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू। मेरा नाम सुरेश कुमार।